आईपीएल 2023 के 90वें महामुकाबले में भिड़ेगी कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में इन दमदार खिलाड़ियों को मिलेगा दोनों टीमों में मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का 90वां महामुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच होने जा रहा है। इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस रणनीति के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतरेगी, साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह मुकाबला कब शुरू होगा और इस मुकाबले को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे और कौन कौन से दमदार खिलाड़ी इस मुकाबले में हमें शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे तो दोस्तों हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमों के बारे में, तो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम हार के साथ यानी कि पंजाब किंग्स के खिलाफ इस टीम को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में हार के साथ एक बार फिर आरसीबी की टीम के आमने सामने होने जा रही है। तो वहीं पर आरसीबी की टीम की हम बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने मुंबई इंडियंस की टीम को एक बड़े स्कोर से हराया है और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सामने होगी। तो इस रोमांचक मुकाबले में काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिलेगा, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चाहेगी कि इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे, तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले को दमदार तरीके से जीत कर इतिहास रचने के लिए शानदार परफॉर्मेंस करेगी। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे मनदीप सिंह के साथ रहमान उल्ला गुरबाज, जहां पर रहमान उल्ला गुरबाज शानदार फॉर्म में, तो वहीं पर मनदीप सिंह अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं लेकिन उम्मीद करेंगे कि इस मुकाबले में शानदार शुरुआत करेंगे। नंबर 3 पर अनुकूल राय उतरेंगे, नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर हमें खेलते हुए दिखेंगे, तो वहीं पर नंबर 5 पर नीतीश राणा, तो नंबर 6 पर रिंकू सिंह उतरेंगे, नंबर 7 पर आंद्रे रसल को मौका मिलेगा, तो नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 पर सुनील नारायण, तो नंबर 10 पर टीम साउदी उतरेंगे, तो वहीं पर नंबर 11 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे उमेश यादव। यानी कि यहाँ पर देखें तो काफ़ी शानदार खिलाड़ियों के साथ ये टीम मैदान पर उतर रही है। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे विराट कोहली के साथ फाफ डुप्लेसिस। शानदार खिलाड़ियों ने पिछले मुकाबले में भी सिर्फ अपने दम पर मुकाबले को जीता दिया था, तो ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर इनसे एक बार बेहतरीन ओपनिंग की उम्मीद यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम करेगी। तो नंबर 3 पर दिनेश कार्तिक उतरेंगे, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल को मौका मिलेगा, नंबर 5 पर माइकल ब्रेसवेल उतरेंगे, तो नंबर 6 पर शाहबाज अहमद, नंबर 7 पर खेलते हुए दिखेंगे हर्षल पटेल, नंबर 8 पर आकाशदीप को मौका मिलेगा, तो नंबर 9 पर रीस टापले, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे, तो नंबर 11 पर कर्ण शर्मा हमें खेलते हुए दिखेंगे। यानी कि देखें तो काफ़ी दमदार खिलाड़ियों के साथ दोनों ही टीमें मैदान पर उतर रही है और शानदार खिलाड़ियों को दोनों ही टीमों में मौका मिला है, जो कि इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें इस मुकाबले के शुरू होने के समय के बारे में, तो यह मुकाबला शुरू होगा आज भारतीय समयानुसार शाम को 7:30 पर, जिसे आप लाइव देख पाएंगे जियो सिनेमा पर, इसके साथ ही स्टार स्पोर्ट के नेटवर्क पर भी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपके हिसाब से कौन सी टीम यहाँ पर शानदार जीत दर्ज करेगी, आरसीबी की या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।